आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो नए साल में आम आदमी को पड़ेगी महंगाई की मार, अगले महीने से टीवी देखने के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे। नए साल में टीवी देखने के लिए आपको जो है ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। दरअसल जी एंटरटेनमेंट, वॉयकॉम एक्टर और सोनी पिक्चर नेटवर्क्स इंडिया जैसे देश के टॉप ब्रॉडकास्टर्स ने आम लोगों को बड़ा झटका देते हुए अपने टीवी चैनलों के दरों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। वैसे ऐलान के बाद अब ग्राहकों को अपने पसंदीदा चैनल देखने के लिए पहले से ज्यादा पैसे जो है वो चुकाने होंगे। वॉयकॉम एक्टर और नेटवर्क 18 जो है उनके डिस्ट्रीब्यूशन फर्म में अपने चैनलों के दरों में 20-25% की बढ़ोतरी का फैसला किया है। तो वही जी एंटरटेनमेंट ने जो है 9-10% की बढ़ोतरी की बात कही है। तो वही सोनी ने जो है चैनल रेट्स में 9-10% की बढ़ोतरी की है। वही डिज्नी प्लस हॉटस्टार जो है, मतलब स्टार के जो चैनल है वो, उन्होंने अभी तक अपनी बढ़ोतरी का ऐलान नहीं किया है। ब्रॉडकास्टर जो है उन्होंने साफ कर दिया है कि बड़ी भी दरें जो है 1 फरवरी 2024 से लागू हो जाएगी। वही ट्राई यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नियमों के अनुसार ब्रॉडकास्टर नई दरों के ऐलान के 30 दिन बाद ही उन्हें लागू कर सकते हैं। ऐसे में ट्राई ग्राहकों के हित में दरों को सही तरीके से निगरानी करने की कोशिश कर रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। तो इसरो ने रच दिया है इतिहास, आदित्य L1 की सूरज के दरवाजे पर हुई है दस्तक। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने जो है एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। दरअसल इसरो ने शनिवार को अपने आदित्य L1 को पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 पॉइंट पर जो है हेली ऑर्बिट में जो है सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। वही आदित्य L1 को सूरज का अध्ययन करने के लिए पिछले साल 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। वहीं इसरो की इस उपलब्धि पर पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बधाइयां पर दी है। वहीं लैग्रेंज पॉइंट वह क्षेत्र है जहां पर पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण जो है वो बिल्कुल जो है बेअसर हो जाता है। यान के आसपास एक हेली ऑर्बिट में यहाँ पर ये रहेगा, वहीं से जो है वो सूरज से जुड़ी अहम जानकारी जो है इसरो को मुहैया कराएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो देश भर में शहरों को मिलेगी ट्रैफिक जाम से मुक्ति, केंद्र सरकार ने बनाया है मास्टर प्लान। देश की भीड़भाड़ वाले शहरों के अंदर जो है देश के भीड़भाड़ वाले शहरों को ट्रैफिक जाम से समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नई योजना बनाई है, जिसके तहत हाईवे निर्माण के साथ साथ दिल्ली के सराय कालेखा से गाजीपुर के बीच जो है बने हाई स्पीड एक्सप्रेसवे के तर्ज पर भी सड़कें जो है बनाई जाएगी। ऐसे रूट पर ना तो कोई रेड लाइट होगी ना ही कोई यहां पर कट होगा। वह एक बार इसे हाई स्पीड कॉरिडोर में एंट्री करने के बाद ट्रैफिक इसके अंतिम या फिर जरूरत के मुताबिक वाले छोर से ही बाहर जो है वो निकलेंगे। वह केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के चीफ सेक्रेटरी जो है उन्होंने बताया है कि इस तरह के एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे का जाल जो है पूरे देश में बिछाया जाएगा। इसका बड़ा फायदा होगा, वही हाईवे के साथ कनेक्टिविटी भी यहाँ पर इसमें देनी होती है, जिसमें ट्रैफिक कई बार स्लो हो जाता है। ऐसे में इस तरह के एक्सप्रेसवे बनाने से ट्रैफिक की स्पीड जो है वो भी बढ़ेगी और लोगों को जाम से मुक्ति जो है वो मिलेगी। खासतौर पर जिन्हें शहरों के बीच में यहाँ पर जाना नहीं होता है उनको जो है जाम से यहाँ पर जाना ही नहीं है, उनको जो है इससे राहत मिलेगी। बाद अब कहते हैं अगली खबर की। तो यूपी, राजस्थान और हरियाणा में ठंड के कारण बंद हुए हैं स्कूल, इस डेट तक रहेगा अवकाश। उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इसी को देखते हुए यूपी, राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में जो है सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के अंदर शीतकालीन अवकाश जो है उसकी घोषणा कर दी गई है और अवकाश जो है बढ़ा दिया गया है। वही कई राज्यों में स्कूल खुलने के बाद बंद होने का समय बदलाव यहाँ पर किया गया है। वही यूपी के गौतम बुद्ध जिले में जो है कक्षा 8 तक के सभी स्कूल जो है 14 तारीख तक जो है बंद करने का आदेश दिया है। वही ठंड के मौसम की स्थिति के बीच नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 8वीं तक के स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश सरकारी और प्राइवेट दोनों पर लागू होगा। वही राजस्थान में भी यहाँ पर कड़ाके की ठंड को देखते हुए उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान के प्राथमिक स्तर के जो भी विद्यालय जो है वो 13 जनवरी तक बंद रखने की घोषणा की गई। इस दौरान राजस्थान के निजी और सरकारी दोनों स्कूल जो है बंद रहेंगे। एक सरकारी बयान में कहा गया कि बढ़ती ठंड को देखते हुए राजस्थान के सरकारी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त 8वीं तक के निजी स्कूलों में शैक्षणिक कार्य जो है 13 जनवरी तक रोकने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा ठंड के कारण हरियाणा में भी स्कूल को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने पहले 15 दिन के शीतकालीन अवकाश की घोषणा की थी, जो कि जो 1 जनवरी 2024 को शुरू होकर 15 जनवरी 2024 को समाप्त होगी। स्कूल जो है 16 फरवरी 2024 से फिर से यहाँ पर खुलेंगे। बात अब कहते हैं अगली खबर की। तो मकान खरीदारों को रहा तब बुकिंग कैंसिल होने पर नहीं देना होगा मोटा पैसा, GST भी होगा वापिस। कई बार ऐसा होता है कि मकान की बुकिंग करने के बाद पैसों का जुगाड़ नहीं हो पाता और ग्राहकों को उसको यहाँ पर कैंसिल करना पड़ता है। ऐसा
करने पर बिल्डर्स जो है वो कैंसिलेशन चार्ज और एग्रीमेंट तोड़ने का हवाला देकर ग्राहक से मोटा पैसा वसूलते हैं। लेकिन जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है रेरा, उसने यहाँ पर मकान खरीदारों के हित में नया नियम लागू कर दिया। बिल्डर जो है मकान कैंसिल करने पर मनमाना पैसा जो है वो नहीं वसूल सकेंगे। दरअसल महाराष्ट्र रेरा के अनुसार नया नियम मकान खरीदारों के लाखों रुपए जो है उसको बचाएगा। अभी तक बिल्डर्स मकान कैंसिल करने की कुल रकम का 10% पैसा वसूलते थे, अब इस रकम को जो है सीमित करके 2% कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि किसी ने मकान की बुकिंग अगर कैंसिल कराई तो उसे कुल कीमत का सिर्फ 2% ही पैसा जो है बिल्डर को नुकसान के तौर पर देना पड़ेगा। बता बताए अगली खबर की, तो ट्राई ने मोबाइल यूजर्स को दी है सख्त चेतावनी। मैसेज ये आए तो भूल कर भी ना करे रिप्लाई। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ट्राई, उसने एयरटेल, बीएसएनएल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया के मोबाइल यूजर्स के लिए सख्त चेतावनी जो है वो जारी की है। यानी यूजर्स के लिए जो है सख्त चेतावनी यहाँ पर जारी की है, जिसमें ट्राई ने साफ किया है कि अगर किसी के पास ट्राई के नाम से कोई भी मैसेज अगर आए तो सावधान आपको हो जाना चाहिए, क्योंकि ये मैसेज साइबर जो क्रिमिनल जो है उनका हो सकता है। वह ट्राई के सचिव वी रघुनंदन ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि आजकल ट्राई के नाम पर कई संदेश जो है भेजे जा रहे हैं और जनता को धोखा जो है वो दिया जा रहा है, इसलिए ट्राई मोबाइल यूजर्स के लिए चेतावनी जारी कर रही है। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई भी मैसेज आया है तो उसके लिए आपको जो है सावधान हो जाना चाहिए। वही साइबर अपराधी ट्राई के नियम से जो मैसेज मोबाइल यूजर्स को भेज रहे हैं उसमें टावर लगाने के लिए NOC देने और मोबाइल नंबर बंद ना हो इसके लिए KYC पूरा करने की डिटेल मांग रहे हैं, जिसमें मोबाइल यूजर्स को मैसेज में दी गई लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाता है। अगर गलती से आपने इस लिंक पर क्लिक किया तो आपका अकाउंट पूरी तरह से खाली हो जाएगा।